आज हम एक 3D पेंटिंग करेंगे, बेसिकली 3D ड्राइंग करेंगे और इसमें हम एक हैंड प्रिंट बनाएंगे, जैसा आपने मेरा पहले बनाया हुआ एक हैंड प्रिंट आप देख रहे हैं। अब इसको कैसे बनाना है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना हाथ रखेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे। हमारी पेंसिल बिल्कुल वर्टिकल सीधी होनी चाहिए, अगर हम टेढ़ी करेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने पहले भी बहुत बार किया होगा, बचपन से हम इस तरह के वर्क कर रहे हैं। अब हम बचा हुआ पोर्शन अपने आप ड्रॉ करेंगे। एपीजे स्कूल चरखी दादरी से मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर सिंह बोल रहा हूँ। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहें तो ड्राइंग और कोई फॉर्म भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया के लिए बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है। हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको कलर्ड भी बना सकते हैं, जैसे मैं ब्लैक स्केच यूज कर रहा हूँ। आप इसके अंदर और कोई भी कलर का स्केच यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर कर सकते हैं, दो तीन कलर के स्केच पेन ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम लाइंस लगाएंगे। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइंस जहां पे हमारी ड्राइंग आती है वहां पे हम मिस कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। फॉर्म आप कोई भी ले सकते हैं, ड्राइंग आप कोई भी बना सकते हैं। 3D ड्राइंग आजकल काफी ट्रेंड में है और बहुत इजी होती हैं और दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बेसिकली हम जो हमारा पेपर है वो 2D है, लेकिन हम जो इसमें बनाएंगे वो 3D बनेगा। बेसिकली ये इल्यूजन होता है, हम 3D का इफेक्ट देते हैं, हम इसको 3D नहीं बना पाते हैं लेकिन हम इसको एक 3D इफेक्ट देते हैं। अभी मैं वीडियो बंद करके इन लाइंस को कंप्लीट करता हूं। आप समझ गए होंगे कि हमें बीच में वो पार्ट मिस करना है जहां पे हमारी ड्राइंग है। कोशिश करें कि हमारी जो लाइंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हों, बहुत सिंपल होगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने ये स्ट्रेट लाइंस को कंप्लीट कर लिया है, हमने सिर्फ बैकग्राउंड वाली में ये लाइंस को स्ट्रेट लिया है और जो हमारा मेन पोर्शन है, जो हमारा ड्राइंग का पोर्शन है, जो हमारा हैंड बना हुआ है, वहां पे हमने इसको खाली छोड़ दिया है। अब इसको बहुत आसान है, ये स्ट्रेट लाइंस हमारी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, जहां पे ये हमारी ड्राइंग आती है वहां से हम दूसरी लाइन को थोड़ा सा राउंड करके कर्व करके इसके साथ टच कर रहे हैं। बहुत इजी है ये। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फिंगर्स हैं, हमारा हैंड है, उसकी एक थिकनेस होती है और वो राउंड शेप में ही चलती है। बहुत आसान है, आपको भी ऐसा ही करना है। फोम आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस फोम को आप चाहें उसको ऐसे 3D इफेक्ट दे सकते हैं। आउटलाइन हमें नहीं करनी है, आउटलाइन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। इसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, पेंसिल, स्केच पेन ब्लैक, इरेजर,
शॉर्पनर। एक स्केल आपके पास होना चाहिए और जरूरी नहीं है कि आप इन लाइंस को स्ट्रेट लगाएं, आप चाहें तो फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। बाउंडेशन कोई नहीं है, बेसिकली आर्ट्स में बाउंडेशन कोई नहीं होती है, आपका जैसा मन करे आप कीजिए। मुझे 100% कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं कर रहा हूं ये सिर्फ एक आपके लिए आइडिया है और आप मेरे से बेटर बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो। जिस लाइन में आप चल रहे हैं उसी लाइन में आपको ये करना है। सामने वाली स्ट्रेट लाइन के साथ आपका वर्क टच होना चाहिए ऐसे। उसके बाद ये हल्के कर्व्स को कम करते जाएंगे हम ऐसे, फिर इसको धीरे धीरे हम राउंडनेस में लाते जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, बहुत सिंपल है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंस बना के रखना है। और फास्ट नहीं चलना है, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम आराम से चलेंगे तो गलती के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो ये देखा आपने फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था। अभी आपको हैंड आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इसको 3D इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा पेंसिल शेडिंग करेंगे। बेसिकली हम ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको कलर्ड बना सकते हैं। ये लाइंस को आप मल्टी कलर में ले सकते हैं, जैसे 3-4 कलर में लिया और बार बार उन्हीं कलर्स को कंटिन्यूअसली आपने रिपीट कर सकते हैं, बहुत इजी है। अभी हम हल्की सी शेडिंग करते हैं ताकि 3D इफेक्ट और बेटर हो जाएगा। पेंसिल को अंडर पाम पोजीशन पे लेंगे हम ताकि हमारी शेडिंग अच्छे से हो। बाउंडेशन कोई नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको वैसे करना है, आप जिस तरह से कंफर्ट है आपको वैसे करना है। आप पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ना चाहते हैं पकड़ सकते हैं, अंडर पाम पोजीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको 3D इफेक्ट देने के लिए एक साइड से डार्क कर रहे हैं। एक साइड से डार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है हमने इमेजिन किया है कि वो इधर से आ रहा है, इधर से लाइट आ रही है, तो नेचुरली दूसरी साइड से हमारा डार्क हो जाता है। तो अब हम इसको डार्क कर रहे हैं एक साइड से। मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लेकिन आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम होगा, आप बिल्कुल आराम से कीजिएगा और मेरे से भी ज्यादा सुंदर बनाइएगा। अब ये डार्क करने के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मेरे पास सिर्फ HB की पेंसिल है, आप चाहें तो डार्कनेस के लिए 2B 3B 4B 6B कोई भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा डार्क हो जाएगा और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी हमने जो हैंड का है वो एक साइड से डार्क किया है। अब हम जो हमारा नेगेटिव सरफेस यानी कि ग्राउंड सरफेस है उसको हम दूसरी साइड से डार्क कर देंगे ताकि हमारा हैंड बिल्कुल बाहर निकल के आ जाए। ये हम ग्राउंड सरफेस को थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, हम इसको शेडो भी समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है
और आजकल काफी ट्रेंड में है 3D। इसके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपनी ओल्ड फाइन आर्ट्स नोटबुक में कर सकते हैं, नहीं है तो किसी भी वाइट पेपर पे, वाइट पेपर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर्ड पेपर पे भी कर सकते हैं। जो आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड हो आप उसी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। अभी हमने देखिए शेडिंग कर दी है, अब हम इस शेडिंग को थोड़ा सा और ज्यादा मिक्स करने के लिए हमने एक कॉटन पीस लिया है छोटा सा, ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। और ये तैयार हो गई है आपकी 3D पेंटिंग। वेरी गुड, आप लोगों को भी ऐसे ही ट्राई करना है। आप ड्राइंग चाहे कोई और ले सकते हैं, फोम चाहे कोई और ले सकते हैं। मेरा बताने का बेसिक आइडिया था 3D पेंटिंग के बारे में, जो बहुत ही सिंपल है, और प्लीज आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।